नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે હું છું અમિતા। દિલ્હીની 50 થી વધુ સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા હડકંપ મચી ગયો। દ્વારકાની દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ, કલ્ચરલ સ્કૂલ, મધર મેરી સ્કૂલ આ તમામ સ્કૂલો એવી છે જેમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી આપવામાં આવી છે। દિલ્હીની અનેક શાળાઓને તેને લઈને જ અલર્ટ કરી દેવામાં આવી। ફોન કરી શાળામાં બોમ્બ હોવાની ધમકી આપવામાં આવી। આ ઉપરાંત એક મેલ પણ આવ્યો હતો। પોલીસ સહિત બોમ્બ સ્ક્વોડના કર્મચારીઓ દોડતા થયા। शाला परिसर नी आसपास संपूर्ण तपास करवामां आवी। शाला नी अंदर पण सर्च हाथ धरवामां आव्यो। डॉग स्क्वॉड पण त्यां पहोंच्या अने तपास करवामां आवी रही छे। आ तपास करवानी साथे साथे अत्यार सुधी कोई पुरावा हाथ नथी लाग्या, कोई बॉम्ब के कोई शंकास्पद वस्तु हाथ नथी लागी, परंतु आज एक धमकी मळी छे तेने जराक पण हलकामां न लई गंभीरताथी तेने लईने तपास करवामां आवी रही छे। तो साथे जे मेल अने जे फोन आव्यो छे तेने लईने पण कोण छे तेनी पाछळ ए माटे तपास हाथ धराय छे। दिल्ली 50 થી વધુ સ્કૂલ જ્યાં અલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। કોઈ જાનહાનિ કે કોઈ એવી દુર્ઘટના નથી ઘટી અને હજુ સુધી કોઈ એવા સગડ પુરાવા, કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ પણ નથી મળી, પરંતુ પોલીસ વિભાગ અને તમામ જે સુરક્ષા એજન્સીઓ છે સતર્ક થઈ ગઈ છે। બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડની સાથે પોલીસ તપાસમાં લાગી છે। सुबह 4:15 के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इन टू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है, तो वी वेर नॉट अवेयर कि वॉट इज़ द सिचुएशन। कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देर इज़ ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। पहले भी स्कूल्स में बहुत सारे मतलब लास्ट मंथ भी फरवरी में भी DPS मथुरा रोड में भी ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट का मेल मिला था, बट इट टर्न आउट टू बी ए हॉक्स। तो शायद वैसे ही हो सकता है, बट टू नो द सिचुएशन आई केम डाउन टू स्कूल। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। बॉम्ब की कॉल मिली थी। सर क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। बम की कॉल मिली थी। सर क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर लिया है, फोन कॉल है, कुछ नहीं मिला। कितनी गाड़ी आई है सर? गाड़ी फायर गई की गाड़ी आई है और बम स्क्वाड है और पुलिस का वो है। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि DPS में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी ASCHEC टीम, BDDS टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। हमने अपने तौर पर प्रिकॉशनरी लेवल पर भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिए, किसी में कुछ इश्यू नहीं। हमें जो ईमेल मिला उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी मदद के लिए आ गई। और उसी के थोड़ी देर में हमने अपना एक मैसेज पेरेंट्स को बनाया और इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी करते हुए सब बच्चों को एग्जिट कर दिया। सर कोई पैनिक नहीं था, बहुत पीसफुली सोचा गया प्लान को और आराम से एग्जीक्यूट किया गया और पेरेंट्स ने भी पूरी सपोर्ट किया हमें इस इवैक्यूएशन प्लान में। सारे बच्चे तकरीबन चले गए हैं, आई थिंक 2-3% बच्चे रह गए जिनके पेरेंट्स शायद वर्किंग होंगे तो लेने आ रहे हैं। अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिजिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं, स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं।
बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेंज चेक कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो, तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए। हमारे साथ जुड़ाया गया है संवाददाता देवनाथ पांडे, तेमनी पासे थी जानकारी लिए। देवनाथ, जो मेल आया था सुबह से ही जहां यहां अफरा तफरी हो गई है, लेकिन जो जांच चल रही है जांच में कुछ सामने आया और जिसने ईमेल किया था वो शख्स कौन है, किसी गिरोह का काम है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अमिता, देखें तो 6-6 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आना, फोन कॉल से स्कूल को उड़ाने की धमकी देना, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल चल रही है। डीसीपी अंकित हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सुबह जब इस मामले में जानकारी मिली डीपीएस द्वारका के बारे में, तभी से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिन स्कूलों में मेल के जरिए आया था, कुछ स्कूलों में फोन कॉल करके इस तरह से धमकी मिली थी, तो सबसे पहला काम था लोगों को बचाना और लोगों को कहीं ना कहीं पहले सुरक्षित निकाला गया। एक तरह से देखिए तो हताहत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अभी ये किस गैंग का हाथ है या फिर इसमें किसका हाथ है मेल करने में, ये अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। अभी पुलिस का बयान इसमें निकलकर सामने आना बाकी है, लेकिन अगर एक दो स्कूल हो तो इसमें साफ तौर से देखा जाए साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्दी इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा गया है इस तरह की जो धमकियां आती हैं अभी तक आती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के इस तरह से मजाकिया अभी तक देखा गया है, लेकिन इसमें 6-6 स्कूलों को एक साथ उड़ाने की धमकी देना तो कहीं ना कहीं किसी गैंग का या फिर किसी आतंकी समूह का हाथ हो, तो पुलिस इस एंगल से भी जो है जांच पड़ताल कर रही है। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो जे रीते एक साथ સાતથી વધુ સ્કૂલને આ રીતે ઈમેલ આવ્યો છે તેને જોતા તેની પાછળ કોઈ ષડયંત્ર પણ હોઈ શકે એ દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે।